नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया। मैं आपके साथ इति सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम आप लोग देख रहे हैं, हम उदयन हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप सभी को पता है कि आयांश यहाँ पिछले 5 दिनों से एडमिट है और इसी के अपडेट मैं आपको हमेशा दिखाती रही हूँ। तो आज फिर हम उनकी माँ से जानने आए हैं कि आखिर आयांश की हालत कैसी है। आइए उनकी माँ से जानते हैं उनकी तबीयत कैसी है। तबीयत मैम वैसे ही है, फीवर नहीं आ रही है और अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही है वो। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसे निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया में थोड़ा समय लगता है। और डिस्चार्ज देने के बारे में कुछ ऐसा कुछ डॉक्टर ने बताया? अभी तक नहीं, समय नहीं दिया है। ओके, अभी भी आईसीयू में ही है जी। आगे का क्या आपका प्लान है आयांश को लेके? फिलहाल मैम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद मैं इसे बैंगलोर लेकर जाऊँगी। और जैसा कि देखा जा रहा है कि डोनेशन भी बहुत कम आने लगे हैं, उसके बेब बहुत कम हो गए हैं, तो इसके लेकर आपके आगे का क्या सोच गए? मैम डोनेशन कम आने लगे हैं इसके लिए तो अब मेरे पास कुछ वैसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे बढ़ाऊँ। बस ये चीज़ आप लोगों के हाथ में है, आप लोग कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे तो ऑब्वियसली डोनेशन अच्छा आएगा। और जब तक इसमें कोई रिच पर्सन या कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़े आदमी नहीं जुड़ेंगे तब तक मैम मुझे नहीं लगता ये हम लोग कर पाएंगे। इसका मतलब आपको अब तक किसी भी पॉलिटिशियन का कोई साथ नहीं मिला है? मिला है मैम, कुछ पॉलिटिशियन का मिला है। अपोजिशन से किसी का? अपोजिशन से भी मिला है मैम। अब तक डोनेशन से कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं? मैम 7,13,80,000 के आसपास। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है या जो भी पिछले दिनों बहुत चीज़ें आयांश को लेकर और उनकी फैमिली को लेकर बहुत चीज़ें आई सोशल मीडिया पे हर जगह, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम उसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, शुरू से कुछ ना कुछ चलते आ रही है। ये बिहार है इसीलिए यहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, आयांश की बीमारी से ज़्यादा महत्व इन चीज़ों को दिया जा रहा है। लेकिन मैं उन चीज़ों को महत्व नहीं देती, मैं अभी मेरा बच्चा बीमार है, मैं पहली प्रायोरिटी उसे दे रही हूँ, मुझे उसे ठीक करना है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्ष के नेताओं से कोई मदद मिली है? अभी मैम मदद तो मैम मिल रही है, जैसे मुकेश सहनी जी आए हमारे यहाँ, रामकृपाल यादव आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए, रतलाल यादव आए, तो ये लोग आए हैं और हेल्प भी किए हैं। आप सीएम से भी मदद मांगने गई थी, वहाँ क्या हुआ? वहाँ मैम वैसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि हमारा जो है उसके तहत 12,00,000 से ज़्यादा हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, अभी उसके लिए हम प्रोसेस नहीं हुआ है, वो 12,00,000 भी अभी हमें नहीं मिले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या गुजारिश करना चाहिए? मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करें, आयांश को बचाएं। आयांश के पास समय बहुत कम है और उसका जो समय है काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है, प्लीज़ आयांश को बचाइए और आयांश की मदद करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थी आयांश की माँ, जो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हैं और काफ़ी डरी हुई भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आयांश को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिस जो कि इस एज में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आयांश अभी उदयन हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे लेकर आयांश की माँ आपको अपडेट दे रही थी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे आर मीडिया के साथ। धन्यवाद।